लोकसभा चुनाव में नॉर्थ मुंबई सीट से कांग्रेस अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को दे सकती है टिकट। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस के टिकट पर नॉर्थ मुंबई मुंबई उत्तर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। एल्की खबरों की माने तो इस बात की अटकलें राजनीतिक गलियारों में तेजी से लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस मुंबई उत्तर की सीट से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के नाम का गहनता से विचार कर रही है। हालांकि इस बारे में न तो उर्मिला मातोंडकर और न ही मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे संजय निरुपम ने पुष्टि की है। एल गौरतलब है कि मुंबई की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। एक समय में इस सीट से राम नाईक, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, इस सीट से चुनकर आते थे, लेकिन उन्हें फिल्म अभिनेता गोविंदा ने हरा दिया था। एल जिसके बाद उसकी आगामी लोकसभा चुनाव में वह सीट संजय निरुपम के पास चली गई थी। एल अब इस सीट पर पुनर्विचार किया जा रहा है। एल जानकारी के मुताबिक गोपाल शेट्टी, जो कि इस सीट से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, के विरुद्ध कांग्रेस उर्मिला मातोंडकर को उतार सकती है। एल 2014 में गोपाल शेट्टी ने यह सीट संजय निरुपम को हराकर वापस ले ली थी। एल अब देखना यह है कि उर्मिला मातोंडकर फिल्मों के बाद राजनीतिक गलियारों में आने के लिए कितनी तैयार है। एल उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में मोहसिन अख्तर मीर नामक कश्मीरी मॉडल से शादी कर ली है। एल मोहसिन अख्तर मीर बतौर मॉडल काम कर चुके हैं। एल इसके अलावा उनका खुद का व्यापार भी है। एल वही वह उर्मिला मातोंडकर से 10 वर्ष छोटे भी हैं। एल फिल्मों की बात करें तो उर्मिला मातोंडकर इरफान खान अभिनीत फिल्म ब्लैकमेल में एक स्पेशल नंबर करती नजर आई थी। एल